стратегия Ето ако सहज ये ज्ञात हो गया है कि आज भारतीय संस्कृति में और यहां के जो बहुसंख्यक धर्म पद्धति है वैदिक वैष्णव उनके अंतर्गत आज का एक महापर्व आया है जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। मैं चिंतन कर रहा था कि यह पर्व यानी गुरु उपासना का महान पर्व ये पूर्णिमा को ही क्यों आता है? अष्टमी को भी हो सकता है, पंचमी को भी हो सकता है, प्रतिपदा को भी हो सकता था, पर पूर्णिमा को ही होता है और यही क्रम है। इसका अर्थ है और इसका संबंध है बहुत चिंतनीय। पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन होता है जब चंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ गगन में विचरण करता है और हमारी पृथ्वी में पृथ्वी पर गुरु ही वे चंद्र हैं जो संपूर्ण आध्यात्मिक कलाओं के साथ लोक जीवन के अंदर विचरण करते हैं। बंधुओं, यह आपको समझना होगा कि जिन्हें आप 72 कला कहते हैं, 64 कला कहते हैं, ये तो मात्र भौतिक कलाएं जो आपके व्यावहारिक जीवन को उपयोगी बना सकती है। पर जीवन का एक अन्य पक्ष भी है जो व्यावहारिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। व्यावहारिक पक्ष प्रतीत होता है और अध्यात्म का पक्ष स्वप्रतीत होता है। उस अध्यात्म जगत में सतगुरु संपूर्ण कलाओं के साथ दीक्षित होकर के जीते हैं और अध्यात्म की अगर कोई कला शेष रह गई तो उसे प्राप्त करने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। आपको इससे समझ में आ गया होगा कि गुरु का अर्थ क्या है।
बहुत थोड़े में बताता हूं। गुप्त रुचियों के स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु की रुचि क्या है ये गुरु ही जानता है। वह आराधना क्यों करते हैं, ज्ञान क्यों करते हैं, तप क्यों करते हैं, स्वभाव रमन क्यों करते हैं, वितराग स्वरूप में रमन क्यों करते हैं, ये उनकी अंतर रुचि है। उस रुचि को आप सहज में नहीं समझ सकते न प्राप्त कर सकते। ये गुप्त रुचियां हैं उनकी। जो गुरु की ये रुचियां गुरु तक रहती है, इसलिए गुरु का पहला अक्षर गु है। वो अर्थ रखता है गुप्त का, और दूसरा अक्षर रू है, वो रुचियों का प्रतिनिधि अक्षर है। गुप्त रुचि वाले ऐसे सत्पुरुष गुरु होते हैं। बंधु, जीवन में गुरु की जरूरत कहां रहती है, क्यों आवश्यक है गुरु? जन्म ले लिया, माता पिता ने बड़ा कर दिया, चलने योग्य, खाने योग्य, कमाने योग्य, सब कुछ व्यवहारिक सिद्धियों के योग्य बना दिया, तो गुरु कहां चाहिए? इसका भी एक बहुत गहरा रहस्य है। गुरु कहां चाहिए पहले इस बात को समझो। यदि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है या माता पिता भी सही काम नहीं कर सकते, संस्कार बदलने का काम सद्गुरु करते हैं। जरूर माता पिता ने जन्म दिया, उनका बड़ा उपकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जो संस्कार हम पूर्व जन्म से अशुभ तुच्छ विकृत लेकर के आए हैं, उनका निराकरण कौन करेगा? उनका निराकरण आपका भौतिक ज्ञान भी नहीं कर सकता, विज्ञान भी नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी नहीं कर सकती। उनका निराकरण कोई ऊंचे पद पर जाकर के व्यक्ति समझ जाए कि मेरे संस्कार बदल गए तो गलत है। विश्व में कोई शक्ति नहीं जो चेतना के उन संस्कारों को, जो विकृतियों से भरे हुए हैं और अपने जीवन में जागृत हो रहे, उनको कोई रोक सके? कोई नहीं रोक सकता। आपने भी बहुत कुछ देखा है और हमने भी बहुत कुछ देखा है।
किस तरह से गुरु हीन व्यक्ति जिन पर किसी गुरु का अनुशासन नहीं, जो गुरु के द्वारा संस्कारित नहीं हुआ, अनुशासित नहीं हुआ, ऐसे व्यक्तियों की वृत्तियां जीवन के तौर तरीके, चाहे वो किसी ऊंचे पद पर चला जाए ना, उसके पार्श्विक संस्कार तो वहां भी जगेंगे और ज्यादा जगेंगे, क्योंकि उसके पास साधन बहुत है। इससे बड़े से बड़ा पाप करेगा, बड़े से बड़े अधर्म करेगा, अपनी चलाएगा, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि का सेवन करेगा, उन आंतरिक समस्त संस्कार दुष्ट संस्कारों का समाधान करने के लिए सद्गुरु चाहिए। उनके अलावा विश्व में कोई शक्ति नहीं। इसलिए आप नमोत्थनम देते हैं ना, उसमें एक पाठ आता है, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोध दयाणम, दंभ दयाणम, धन देशयाणम। कल्पना करिए कि एक व्यक्ति को जंगल में डाकू मिले और उसको लूट लिया, आंखों पर पट्टी बांध के एक वृक्ष से बांध दिया और चले गए। अब बेचारा वो लूट तो गया ही, साथ ही वो वृक्ष से भी बंधा है और आंखों से भी अंधा है और एक भय और खाए जा रहा है। कहीं वो डाकू आकर के फिर से मुझे खत्म ही नहीं कर दे, ये भय भी छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई सज्जन पुरुष आता है, उसकी चिल्लाहट सुनता है, सांस में आता है, तुम्हारी ये क्या दशा है कि डाकुओं ने कर दी, अब मैं क्या करूं। हो सकता है वो मुझे आके मार भी डाले, मैं बहुत डरा हुआ हूं। सज्जन पुरुष ने कहा, कोई भय मत खाओ, अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अभय दयाणु, अभय दान दे दिया, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। ये सदगुरु ही होते हैं। जो अपने शिष्य के साथ खड़े रहते हैं, घबराओ मत, कोई भय खाने की जरूरत नहीं, निर्भय रहो, अभय दयाणम, चक्षु दया। उस व्यक्ति ने उसकी आंख की पट्टी खोल दी, आंखें दे दी, देखने लग गया, बड़ी खुशी हुई उसको, उसके बंधन खोल दिए। चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, कहां जाना है तुझको, वहां जाना है, चल मैं साथ हूं। मार्ग दे दिया, कि मैं मार्ग से ही भूल गया, चल मैं बताता हूं।
அதே தியானம், சுக்கு தியானம், மக்கு தியானம், சரண் தியானம். தூ மேரே பாஸ் ஹே பஸ் கௌராமர். ஜோ சரண் மே ஆதா ஹே ஹம் உஸ்கி ரக்ஷா மே खड़े रहते हैं, पहले अपने प्राण देते हैं फिर उसके। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अभय ध्यानम, चक्कु ध्यानम, मग ध्यानम, शरण ध्यानम, जीव ध्यान, नया जीवन दिया उसने। न मालूम उस बियाबान जंगल में क्या होता, शेर चित्ते भी फाड़ के खा जाते। पर नया जीवन दान मिला उस सज्जन पुरुष से, वो ही दया। गुरु ने कहा तुझे जहां जाना है अब निर्भयता का मार्ग है, दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना कहीं सीधे जाना, सारा रास्ता बता दिया, इसी रास्ते चला जा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। वो ही दया, मार्ग का ज्ञान भी दे दिया। मैं आपको पूछता हूं, उस सज्जन पुरुष का उस पर कितना उपकार है, उसके उपकार की कोई सीमा है? वास्तव में सदगुरु ऐसे होते हैं, वे इस विश्व के विकट मन में, भाव भ्रमण के विकट मन में, पापों से बंधी हुई